लास्ट ओवर में हुआ गजब ड्रामा। 6 गेंदों में चाहिए थे 19 रन, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, स्ट्राइक पर थे गुलबदीन और गेंदबाजी कर रहे थे मुकेश कुमार। जहाँ पहली गेंद मुकेश कुमार ने वाइड डाली, उसके बाद जब दोबारा पहली गेंद डाली तो गुलबदीन ने चौका जड़ दिया। हालांकि दूसरी गेंद पर मुकेश ने कोई रन नहीं दिया, लेकिन तीसरी गेंद फिर से वाइड चली जाती है और अब 4 गेंदों पर अफगानिस्तान को 13 रनों की दरकार थी। तभी तीसरी गेंद पर गुलबदीन 2 रन ले लेते हैं और चौथी गेंद पर छक्का जड़ देते हैं। उसके बाद आखिरी 2 गेंदों 5 रन चाहिए था, तब मुकेश कुमार के 5वीं और 6ठी गेंद पर 2-2 रन आता है और मैच ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद 2 सुपर ओवर होता है, तब जाके नतीजा निकलता है और भारत मैच जीत पाती है।